अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मटन यखनी पुलाव। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हमने 3 बे लीव्स लिया है, इसे हम छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। 2 स्टार एनीज, 2 ब्लैक कार्डमम्स, 2 सिनेमोन स्टिक्स, 1 पीस ऑफ मेज, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 2 टीस्पून फेनेल सीड्स, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड। अब हम इसे लॉक करेंगे। अगर आपके पास फिल्टर बॉल नहीं है तो व्हाइट क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो पॉटली बनाने के लिए। हमारा फिल्टर बॉल रेडी है। कुकर में हमने फिल्टर बॉल डाले हैं। 1 अनियन, 2 होल गार्लिक्स, 1 इंच जिंजर पीस, 1 केजी मटन। इसे भी हम कुकर में डालेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट, इसमें हम ऐड करेंगे 3 कप ऑफ वाटर। अब हम कुकर का लीड लगाएंगे और 4 वेसल आने तक इसे कुक करेंगे। हमारा मटन रेडी है। हमने यहाँ 1/2 कप ऑयल गरम किया है और इसमें हम 2 मीडियम ऑनियन डालेंगे। अनियन को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अनियन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें से 1/2 अनियन निकालेंगे। हमने यहाँ 3 बेलीज लिया है, 5 कार्डमम, 1 स्टार एनीज, 6 to 7 क्लोव्स एंड 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप कर्ड ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमने जो मटन बॉईल किए थे अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टोमेटो के स्लाइसेस ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे और टोमेटो होने तक इसे हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें 4 ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने जो मटन बॉईल किया था उसका जो स्टॉक है अब उसको हम इसमें ऐड करेंगे।
इसमें हम 750 ग्राम राइस ऐड करेंगे। इसे हम 1 घंटे पहले भिगो के रखे थे। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और पानी सूखने तक कुक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पानी ऑलमोस्ट सूख गया है। अब हम इसे हल्के आंच से चलाएंगे। इसके ऊपर हम फ्यू कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। और फ्राई अनियंस, इसे हम कवर करेंगे और 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। हमारा मटन पुलाव बनके रेडी है। अल्लाह हाफिज़।